लॉर्ड कृष्णा नमन माई ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने एसिड के बारे में जाना वे पदार्थ जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं वे सभी पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं अगर वाटर की मात्रा वहाँ पर प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाते हैं आप एक बात ध्यान रखना कि कोई भी एसिड सारे हाइड्रोनियम आयन एक साथ रिलीज नहीं करता कोई भी एसिड सारे के सारे हाइड्रोनियम आयन एक साथ रिलीज नहीं करता वह धीरे धीरे आ, आयन्स को रिलीज करता है डिपेंड करता है कितने हाइड्रोजन आयन उस एसिड में है उसके बेस पर यहां पर एसिड को भी कैटेगराइज किया गया है मोनोवेसिक डाइवेसिक ट्राइवेसिक एच सी एल अगर हम एच सी एल को तोड़ेंगे तो एच प्लस प्लस सी एल नेगेटिव मोनोवेसिक यहां पर एच हाइड्रोजन के जो आयन है वो एक है डाइवेसिक जहां पर हाइड्रोजन दो होने चाहिए ट्राइबेसिक की जगह पर तीन होने चाहिए माई ऑल डियर स्टूडेंट अब हम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में बात करेंगे एसिड आर सोर इन टेस्ट पहली प्रॉपर्टी है एसिड आर सोर इन टेस्ट क्या डेफिनेशन है सोर की सोर हैविंग टेस्ट लाइक दैट ऑफ लेमन ंग अप टेस्ट लाइक दैट ऑफ अमन दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं एसिड आर कोरोसिव इन नेचर एंड हैव द एबिलिटी टू कोरोड मेटल इट इज फॉर दिस रीजन दैट दे आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लास बेयर व्हाट इज कोरोसिव कोरोसिव की डिफाइन क्या होगी मटेरियल इज अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस दैट कॉसिस ऑबियस डैमेज द लिविंग टिश्यू ये इतने कॉरसिव हैं कि आपकी जो लिविंग टिश्यू है डैमेज कर देंगे कॉरसिव एक्ट आयदर डायरेक्टली बाई केमिकली डिस्ट्रॉइंग उसको केमिकली डिस्ट्रॉइंग कर देंगे द पार्ट ऑक्सीडेश इनडायरेक्टली बाई द कॉसिंग इनफ्लेमेशन उसे जला देंगे एसिड एंड वेस आर कॉमन कॉरसिव मटेरियल केवल एसिड ही कॉरसिव नहीं है वेसिस भी कॉरोसिव नेचर में है ठीक है एल्टी टू कॉरोड कॉरोड मीस उसे उसमें जंग लगना कॉरोड कर देना इट इज फॉर द रीजन दैट दे आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लासवेयर इसीलिए हम इन्हें ग्लासवेयर में रखते हैं एसिड आर सोल्यूबिल इन नेचर सोल्यूबिल की देख लीजिए सोलिबिलिटी इज आ प्रस सोलिबिलिटी इज आ प्रॉपर्टी रेफरिंग टू द एबिलिटी फॉर आ गिविंग सबिस्टेंस द सोल्यूट टू डिजॉल्व इन सोलवेंट यानी कि बे सभी सोल्यूट जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए ठीक है अब यूज ऑफ सम मिनरल एसिड तो हमने एसिड को टू टाइप में कैटेगराइज किया था मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त हुए थे मिनरल एसिड हमें खनिज से प्राप्त होंगे आप ध्यान रखना किसी भी तरह के एसिड को आप जीव से टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही हाईली क्रोसिव नेचर के होते हैं मिनरल एसिड ऑर्गेनिक एसिड से ज़्यादा क्रोसिव नेचर के होते हैं तो यहाँ पर हम मिनरल एसिड के कुछ उपयोग देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग सैनिटरी वेयर हम जितने भी सैनि जो सैनिटरी वेयर हैं उन्हें क्लीन करने का काम करते हैं इससे इट इज़ यूज द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट हम जो साधारण नमक है उसका शुद्धिकरण करते हैं एस की हेल्प से इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड डिटर्जेंट हम पेंट और डिटर्जेंट इसी की हेल्प से बनाते हैं दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है किंग ऑफ केमिकल हाइड्रोजन सल्फेट आल्सो कोयल्ड ऑयल ऑफ विट्रल। यानी कि एच टू एस ओ फोर का दूसरा नाम जो है ऑयल ऑफ विट्रल भी है विट्रियल। ऑयल ऑफ विट्रियल। In various concentrations, the acid is used in the manufacturing of fertilizer, pigment, dye, drug, explosive, detergent, and uh, inorganic salt and acid, as well as the petroleum refining and uh, metallurgical process. सल्फ्यूरिक अम्ल जो जिसे कि हम अम्लराज कहते हैं क्या कहते हैं अम्लराज किंग ऑफ केमिकल्स इसका मतलब है अम्लराज किसी को भी कोरोड कर देगा किसी भी मेटल को कोरोड कर देगा अम्लराज इसका जो उपयोग है हम खाद बनाने में पिगमेंट बनाने में डाई और दवाइयां एक्सप्लोसिव यानी कि जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हैं जिससे कि आप अभी हम आपको आ, नाइट्रिक uh, एसिड में uh, बताएंगे कि किस तरह से एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ठीक है इट इज यूज कार बैटरी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम कार की बैटरीज में भी करेंगे इट इज यूज टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं थर्ड है नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला होगा एच एन ओ थ्री इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव लाइक ट्राइनाइट्रोटालुइन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोटालुइन नाइट्रोटालुन टी एन टी 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 फॉर्मूला है सी सिक्स एच टू थ्राइस एन ओ टू का होल थ्राइ सी एस थ्री ट्राइनाइट्रोटाली टू वी दॉम्ब आप ट्राइनाइट्रोटालुन की हेल्प से बॉम्ब बनाएंगे एंड द पावर ऑफ एक्सप्लोसिव इनमें एक्सप्लोसिव की बहुत ज्यादा पावर होगी देखने में ये पेल येलो बहुत ज्यादा येलो देखेंगे TNT वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1863 बाय जर्मन केमिस्ट जूलियस विलब्रांट यूज एज डाई जर्मन के रसायन शास्त्री जूलियस विलब्रांट ने सबसे पहले इसका उपयोग डाई बनाने में किया था सबसे पहले 1863 में 1863 में इसका आ, उपयोग हुआ है ट्राइनाइटो टालुइन का किसने किया है जूलियस विल ब्रांड जूलियस विल ब्रांड याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइनाइटो टालुइन टी एन टी आगे चल के मेरे सभी स्टूडेंट जब साइंटिस्ट बनेंगे फिजिक्स से जब आप रिसर्च करेंगे तो आगे श्री ए जे अब्दुल कलाम की भांति आप भी हमारे देश के मिसाइल मैन बनेंगे तो इस टी एन टी का यूज करेंगे फॉर्म क्या है नाइट्रो टालुइन एंड नाइट्रोग्लिसरीन मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाइट्रोग्लिसरीन जो है यह भी बहुत ज्यादा खतरनाक है ट्राई नाइट्रोगरीन इज आ डेंस कलरलेस ध्यान रखना यह बहुत ज्यादा डेंस है डेंस जिसके पार्टिकल घने हो, बहुत पास पास हो कलरलेस जिसका कोई कलर ना हो जैसे कि वाटर ऑलीयली भी है ये एक्सप्लोसिव लिक्विड मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल विद वाइट फ्यूमिंग्स नाइट्रेट एसिड अंडर कंडीशंस एप्रोप्रिएट टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ईस्टर फॉर्मूला है सी थ्री एच फाइव एन थ्री ओ नाइन पहली बार इसे इटली के रसायन शास्त्री एसकेनियो सो सोवरेरो ने 1847 में एक्सप्लोसिव के रूप में इसका प्रयोग किया था